पर 5 देखिए, इफ एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ फंक्शन देखिए, कह रहा फाइंड वेदर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। कंटिन्यूअस है कि नहीं इस पे हमें चेक करना होगा। 0 पर एफ एक्स फंक्शन दिया है, साइन 3x बाई एक्स होता है कब, व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉट इक्वल टू 0 यानी फिर 0 से लेस देन या फिर 0 से ग्रेटर। और एफ एक्स का वैल्यू 1 होता है व्हेन एक्स इक्वल टू में 0, जब 0 के इक्वल हो तब। तो चलिए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट पहले लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पावर में माइनस दे देंगे, और यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 से लेस देन के लिए यही है आपका फंक्शन साइन 3x बाई में x, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 3x बाई में 3x और इन टू में यहाँ पे 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 कॉन्स्टेंट है यहाँ बाहर आ जाएगा 3, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 3x बाई में 3x, तो इसका वैल्यू जो होगा 1 ना हो जाएगा, तो 3 इंटू में 1 यहाँ 3 आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आर एच लिमिट, तो आर एच लिमिट क्या है इसका, तो आर एच लिमिट हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पावर में प्लस और एफ एक्स, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पावर में प्लस एफ एक्स 0 से ग्रेटर के लिए यही हो जाएगा यहाँ पर साइन 3x बाई में x। तो यहाँ पे भी उसी तरह से करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पावर में प्लस दे देंगे, और यहाँ साइन 3x बाई यहाँ 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग 1 जानते हैं ना, इसीलिए 3 यहाँ बाहर ले लेते हैं कॉन्स्टेंट है, तो हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पावर में प्लस दे देते हैं और साइन 3x बाई में 3x, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू में 1 यहाँ पे इसका 3 निकल जाएगा। तो ये दोनों एल एच लिमिट आज लिमिट 3 आ गया, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि एफ 0 का जो वैल्यू है, एफ 0 का वैल्यू वो 1 है, एफ 0 का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, लेकिन ये इक्वल नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एल एच लिमिट जो है, एल एच लिमिट वह इक्वल है आर एच लिमिट के, लेकिन एफ 0 के इक्वल नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस होगा नहीं ना होगा, देयरफॉर लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस हमने यहाँ दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।